राधेकृष्ण सेवा समितीच्या वतीनं मिस्किन मळा इथं आयोजित श्रीमद भागवत कथा सोहळ्याची मोठ्या उत्साहामध्ये सांगता करण्यात आली. यावेळी या कथा सोहळ्याला नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला युगल शरणजी महाराज यांनी सुदामा चरित्र आणि मोक्षकथेचं निरूपण केलं. कथासार कथन करत असताना त्यांनी नवीन वर्ष सर्वांना सुख आणि समृद्धीचं जाण्याची यावेळी कामना केली. राधेकृष्ण सेवा समितीच्या वतीनं मिस्किन मळा या ठिकाणी आयोजित श्रीमद भागवत कथा सोहळ्यात पूर्वसंध्येला पूज्य युगल शरणजी महाराज यांनी सुदामा चरित्र आणि परीक्षित मोक्षकथेचं निरूपण केलंय. कथासार कथन करताना त्यांनी नवीन वर्ष सर्वांना सुख समृद्धी भरभराटीचं जाईल असं आशीर्वाद दिलेत. मित्रों से चर्चा नाम सुबह और सुदामा ने सुदामा के चरणों को धो दे के भगवान के आंसू ही पर्याप्त होते आंसू कर सुदामा के अपनी आंखों से आंसू प्रवाह करते हुए भगवान ने पैर धोए. दीन दशा सुदामा की देख कर नाम सुदामा ने पूछा प्रभु ये क्या है. सुदामा तुम थक कर आए हो, तुम्हें स्नान कराना चाहती थी. कथा समाप्तीनंतर राधेकृष्ण सेवा समितीचे 51 यजमान, त्यांचे कुटुंबीय आणि भाविकांनी हजारो मेणबत्त्या प्रज्वलित करून आरती केली आहे. या नयनरम्य दीप सोहळ्यानं भागवत कथा सोहळ्याची शोभा द्विगुणित करून प्रत्येक भाविकाच्या मनात आशेची नवी ज्योत प्रज्वलित केली आहे. यावेळी डॉक्टर नितीन झवर, श्रीगोपाल जाखुटिया, सतीश वाळके, डॉक्टर विजय भंडारी, सुनील भरत, चंद्रप्रकाश दुसाद, देवेश खंडेलवाल, कैलास झालानी, अशोक खंडेलवाल, डॉक्टर झालानी, श्रीगोपाल धूत, राजेंद्र गुजराथी, रत्नाताई फुलसौंदर, इंद्रजित नय्यर, के के शेट्टी, हरीश बजाज, अभय मिसरी, अनिल नागपाल, आगेश धुप्पड, प्रफुल्ल झालानी, ॲडव्होकेट राजेंद्र खंडेलवाल, डॉक्टर प्रकाश खंडेलवाल, निलेश खंडेलवाल, प्रदीप पंजाबी, संजय जाधव आदी उपस्थित होते. कथा निरूपण करताना पूज्य युगल शरणजी महाराज म्हणाले की श्रीकृष्ण आणि सुदामाची मैत्री ही खरी होती. सुदामा गरीब असला तरी त्यानं भगवंताकडे कधी काही मागितलं नाही. जेव्हा सुदामा द्वारकेला श्रीकृष्ण भेटीसाठी गेला तेव्हा भगवंतानं आपलं पद प्रतिष्ठा विसरून जुन्या मित्राचं प्रेमानं स्वागत केलं. सुदामानं आणलेल्या पोह्यांचा आस्वाद घेतला. जातानाही सुदामानं आपल्या निर्धन अवस्थेबाबत भगवंताकडे दुःख व्यक्त केलं नाही. केवळ मित्रप्रेम व्यक्त करीत तो पुन्हा माघारी परतला. मात्र भगवंतांनी या मित्राच्या कुटुंबियाला ऐश्वर संपन्न केलं. अशी मैत्री निभावणं फक्त भगवंतालाच शक्य असतं. यदि आप अपने पति का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे कभी अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे. इसलिए पहले आप अपने पति का सम्मान करें ना, तब बच्चे उसके पिता का सम्मान करेंगे. हम बच्चों के सामने ही हम पति से लड़ने लग जाते हैं तो बच्चों को भी अवसर मिल जाता है लड़ने का. वो घर के लिए अपने सब सुख त्यागता है, उसका भी विचार करेंगे. सोचिए ना, यदि वो जीवन में न रहे तो जीवन कितना कष्टदायी हो जाएगा, कितना कष्टदायी.
भोजन करने के उपरांत जब सुदामा विश्राम कर रहे थे, सुदामा के बगल में दबी हुई तंदूर की पोटली को द्वारिकाधीश ने देखा और उनके हाथ से दबी हुई पोटली उन्होंने खींच कर निकाल ली। तंदूल दिए दीने हते आगे दिए जाए, देखी राज संपत्ति वैभव और की पट फटी छूटी करी बिखरी गई सुदामानं आपल्या मित्राकडे जाताना पोह्याची पुरचुंडी नेली होती. कधीही देवाचं संतांचं दर्शन घेताना रिकाम्या हातानं जाऊ नये, यथाशक्ती काही ना काही अर्पण करावं. दुःखात साथ देतो तोच खरा मित्र असतो, किंबहुना मित्र आपल्या मित्राला दुःखी होऊच देत नाही. श्रीकृष्ण सुदामा भेटीचा प्रसंग आपल्या रसाळवाणीतून जिवंत करत युगल शरणजी महाराज यांनी परीक्षित मोक्षाची कथा वर्णन केली. यानंतर भागवत कथेची समाप्ती झाली. चोरों ने कहा निकाल, तो बोला मेरे पास कुछ नहीं है. चोर मारने लगे तो बोला देखो मुझे मत मारो, यदि तुम्हें चाहिए तो आज मैं एक जगह गया था, वहां पर झाड़ के नीचे मटका उसमें सोना भरा है, तुम जाके ले लो. और चोर गए. चोरों ने जाकर जब झाड़ के नीचे देखा तो सच में फटका दबा पड़ा था, लाल करने से गंदा था. सोचा बहुत पैसा है, चलो ले लेते हैं. और चोरों ने जैसे कपड़ा हटाया नाथ अंदर पैसे नहीं, बड़े काले काले नाग बैठे हुए. चोर सोचने लगे अच्छा ये हमें मरवाना चाहता था, इसने ऐसी जगह भेजा, अब इसी में हम मरवाएंगे. और वो खड़ा हुआ घड़ा नागों से भरा हुआ, सर्पों से भरा हुआ घड़ा लेकर चोर आए और इस घर की छत पर चढ़ गए. पुराना जमाना था, छप्पर हटाई और सोचा ये मटके को उल्टा करेंगे और सारे सांप इस पर गिरेंगे और इसको काट लेंगे. और चोरों ने जैसे ले जाकर मटका उल्टा किया, नाग छन 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 करके सोना बरसने लगा. ये भी ऊपर देख कर बोला सत्य मामाई सुदामा ने कहा सौभाग्य तिलो जाऊं तिलाई सौभाग्य तिलो एक एक आती जाती थी सुदामा सौभाग्य तिलो या पूरी आशीर्वाद दे सौभाग्य तिलो सौभाग्य तिलो एक एक आशीर्वाद सुदामा दे रही थी. आशीर्वाद देते देते हाथ थक गए, मुंह थक गया. तो उन्होंने बत 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 सुदामा ने कहा लाला और कितनी है? अभी तो शुरू हुई है. अभी तो ये तो बहुत कम है. अभी तो शुरू हुई है. 16108 अभी तो शुरू हुई है. तब भगवान ने कहा सुदामा तुम ऐसा करो, तुम तो थक गए हो, इन सब के बदले का आशीर्वाद तुम मुझे दे दो. और साक्षात द्वारिकाधीश श्री नाथ सुदामा के चरणों में झुक गए. और ये भक्त की सामर्थ्य नाम की भक्त कथा सोहळ्याची सांगता होत असताना भाविकांनीही 8 दिवस चाललेल्या या ज्ञानामृताप्रती पूज्य युगल शरणजी महाराज यांचे हृदयपूर्वक आभार मानलेत. मंजिल की राह पर चलाया हमें, आपने सफलता तक पहुंचाया हमें,
अशा भावना भाविकांनी व्यक्त करीत या सोहळ्यांबद्दल महाराजांसह 51 यजमानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे। राधा कृष्ण सेवा समिति के तरफ से 7-8 दिन का जो आज का भागवत का कार्यक्रम किया है, हम सभी 51 राधा कृष्ण भागवत प्रेमी लोगों ने मिलजुल कर किया है और यहाँ पर जो हमारे भाविक पधारे हैं उन्होंने भी इसका आनंद लिया है। एक सुंदर कार्यक्रम हुआ है, 9 वर्ष पर इसका जो आयोजन आज खत्म कर रहे हैं, कल से है, कल से पूर्णाहुति है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो सब भाविक पधारे हैं उनका मैं दिल से आभारी हूँ। 9 वर्ष उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारा तो 9 वर्ष नहीं पर 9 वर्ष उन सबको सुख समृद्धि शांति मंगल प्रदान करें, यही प्रार्थना करता हूँ राधा कृष्ण सेवा समिति की तरफ से। प्रतिनिधि शुभम पाचारने, ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदनगर।